प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, बिहार के वरिष्ठ नेता और इस सरकार में शिक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सम्माननीय विजय चौधरी जी, जनता दल यूनाइटेड के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय भाई उमेश कुशवाहा जी, पत्रकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार विगत 4 विधानसभा चुनाव में लगातार जनता का आशीर्वाद लेकर के बिहार की सेवा में कार्य कर रही है। इस शासन की प्रक्रिया में बिहार की अनेक व्यवस्थाओं में सुधार, सामाजिक सुधार, बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रही है। दोनों दल आपस में एक दूसरे को सम्मान देते हुए और एक ही मिशन के नाते कि बिहार में सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को आगे बढ़े, लगातार निरंतर विगत 16 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगे हुए हैं। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अनेकों विकास और कल्याणकारी योजनाएं बिहार के लिए विशेष रूप से लागू हुई हैं। आज सुबह भी मैं केंद्र सरकार के श्रम विभाग के द्वारा बने हुए ईएसआईसी के अस्पताल जो और मेडिकल कॉलेज जो बिहटा में स्थापित किया गया और जिसका शीघ्र ही आने वाले समय में उसका उद्घाटन करने गया था और आज उसके उद्घाटन होगा, उसका आज मैं निरीक्षण करने गया था। इस मेडिकल कॉलेज का शीघ्र ही उद्घाटन भी किया जाएगा, एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन आज उसके निरीक्षण करने के बाद मुझे इस बात की संतुष्टि हुई कि श्रम विभाग द्वारा जो ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज बनाया गया, जिसको इस वर्ष से छात्रों के एडमिशन से प्रारंभ किए जाएंगे, उसमें सभी उपकरण एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से लगे हुए हैं। आज हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से वार्ता हुई और आने वाले समय विधान परिषद के चुनाव में दोनों दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आने वाले समय में विधान परिषद की 24 सीटों का चुनाव होने वाला है। 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसमें से एक सीट भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष श्री पशुपति पारस जी हैं, पशुपति पारस जी की लोक जनशक्ति पार्टी को एक सीट देंगे। 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने लड़ने का तय किया, आपसी सहमति से हमारा ये निर्णय हुआ है और इस प्रकार से 11 सीटें जनता दल यूनाइटेड, 13 सीट लेकिन उसमें से एक सीट भाजपा अपने सहयोगी को देगी, तो 12, 11 और 1 इस क्रम में हम लोग इस विधान परिषद चुनाव को लड़ेंगे। और हमारा ये मानना है कि विगत 4 चुनाव में जिस प्रकार से बिहार की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, विधान परिषद चुनाव में भी जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमारे इस मजबूत गठबंधन को मिलेगा। मैं विजय चौधरी जी से भी आग्रह करूँगा कि वो भी जदयू की ओर से आपको इसके बारे में संबोधित करें। माननीय केंद्रीय मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री संजय जायसवाल जी,
जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, सबसे तो पहले आप तमाम लोगों के साथ हम भूपेंद्र जी का भी स्वागत करना चाहते हैं, जो कि दिल्ली से विशेष रूप से गठबंधन और भाजपा जदयू की आपसी सहमति और समझदारी कैसे बनी रहे इसके लिए इन्होंने अपना समय निकालकर यहाँ पधारने की जहमत उठाई है, इसके लिए हम इनको भी धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। मूल बातें हमारे भूपेंद्र बाबू ने आपको बता दी हैं कि किस ढंग से पिछले 16 वर्षों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार लगातार काम कर रही है एनडीए की, और उसका जो असर है आम लोगों पर या उसकी जो सराहना है, इसका सीधा जागता प्रमाण है कि चौथी बार ऐसा विरले ही होता है कि एक ही नेता के नेतृत्व में चौथी बार लगातार सरकार बने, ऐसा कम होता है, कम प्रदेशों में होता है। तो ये हम लोगों के सरकार की विश्वसनीयता है, और जिस ढंग से अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का गठबंधन, अन्य हमारे सहयोगी दल भी हैं, उनके साथ जितनी मजबूती से चल रहा है, यह आपके सामने है। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, ये जो विधान परिषद के स्थानीय निकाय से जुड़े चुनाव हैं, आप सब जानते हैं कि उसमें 24 सीटें हैं अभी रिक्त। वैसे तो नियमतः तो इसमें 8-8 सीटों पर 3 क्रम में चुनाव होने होते हैं, 1/3 सदस्य रिटायर करते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पे चुनाव होने, लेकिन पीछे के समय में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी जिसके कारण से एक साथ 2400 सीट रिक्त हो गए और फिर पिछली दफा से 24 सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहे हैं, और हम लोगों की आपसी समझदारी इसी क्रम में बननी थी, और स्वाभाविक रूप से इनके 13 थे तो ये 13 लड़ना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों के अलायंस में जो एक आपसी समझदारी का जनता दल यू और भाजपा का 50% का एक समझौता था, उसके तहत हम लोग 12 लड़ना चाह रहे थे। तो ये हम लोगों का की पुरानी इच्छा थी, इस पर कई राउंड हम लोगों ने बात की और रास्ता इसका निकला। जब इन्होंने जैसा बताया कि एक सीट इनको सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को एडजस्ट करने के लिए, उसमें सामंजित करने के लिए आवश्यकता थी, तो हम लोगों ने भी 11 सीट पे सहमति दे दी कि हमारे एक सहयोगी दल की भी साथ आ जाएंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि 12 पे भाजपा लड़ेगी, 11 पे हम लोग लड़ेंगे और एक सीट पर हमारे लोजपा पारस जी वाली लोजपा के उम्मीदवार लड़ेंगे। तो इस तरीके से ये समझिए कि एक बहुत ही अच्छा आपसी समझदारी का और बड़ा ही मजबूत निर्णय है। इससे कई तरह की भ्रांतियाँ भी दूर होगी और आप लोगों के भी जो कयास चल रहे थे, ये उस पर भी एक तरह से आज से विराम लगेगा। और हम आपको आज कम से कम अपने 11 सीट बता देना चाहते हैं, ये भी क्लियरिटी ही आ जाएगी आप लोगों को, कोई फिर दुविधा नहीं रहेगी कि 11 सीट जो जदयू का हम लोग लड़ेंगे वो आपको बता देते हैं, शेष 13 इनको लड़ना है, उसमें से एक जो सीट अपने उनको देंगे ये दे देंगे दोनों पर। तो हम दोनों ही पढ़ देते हैं, जब इन्होंने अपनी सीटों का भी विवरण पढ़ने का अधिकार दे दिया तो मैं उसे भी पढ़ देता हूँ। जो
जब इन्होंने अधिकार दिया है तो स्वाभाविक रूप से इन्हीं का पहले पढ़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी जिन 12 सीटों पर, 12 और एक 13 जो पारस जी का है, तो भारतीय जनता पार्टी रोहतास पहला, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा सारण, चौथा सिवान, पांचवा दरभंगा, छठा पूर्वी चंपारण, सातवा किशनगंज, आठवा कटिहार, नौवा सहरसा, दसवा गोपालगंज, ग्यारहवा बेगूसराय, बारहवा समस्तीपुर, तेरहवा वैशाली, जो ये अपने सहयोगी दल पारस जी के लोजपा को दे रहे हैं। अब इसके अलावा जो 11 सीटें हैं जो जनता दल यू लड़ेगी, उसमें पहला है पटना, दूसरा भोजपुर, तीसरा गया, चौथा नालंदा, पांचवा मुजफ्फरपुर, छठा पश्चिम चंपारण, सातवां सीतामढ़ी, आठवां भागलपुर, नौवां मुंगेर, दसवां नवादा, ग्यारहवां मधुबनी। इसलिए ये कंप्लीट, जिसको कहते हैं पूर्ण आपसी समझदारी और सहयोग के तहत ये निर्णय हुआ है और हम लोग सब लोग मिलकर लड़ेंगे और इसके बाद हम अपने सभी सहयोगी दलों को भी विश्वास में लेके पूरी मजबूती से लड़ेंगे और हम समझते हैं कि लगभग सभी सीटें हम लोग जीतेंगे।